Hi guys, today's my mom's birthday and I'm gonna make pancakes for her. थोड़ा उसमें सक्सेस हो रहा है और ज़्यादा सक्सेस चाहिए. एंड केक हमने ऑलरेडी पिक कर लिया है. केक हम कल जाके खाएंगे. Looks like I'm 35, but I'm not 35. You are 35, young 35. And अब बारी आती है मूवी इन द पार्क. Guys, just wanted to tell you it's still my mom's birthday. अगस्त मुझे हमेशा से अच्छा लगता है. उसके पीछे कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं. मुझे लगता है एक मैजिकल रीज़न ये भी है कि इस मंथ में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर दी हूँ. एंड ये महीने में गर्मी थोड़ी कम हो जाती है एंड बहुत ही प्यारे ब्राइट सनी ब्यूटीफुल दिन होते हैं. एंड अलग सा कनेक्शन है इस महीने के साथ. आपको अगस्त पसंद है? इसका नाम ही बड़ा मज़ेदार लगता है मुझे, अगस्त. अगस्त महीने में प्यारा प्यारा गर्म दिन, सनसेट, सनी दिन. एंड अब हम कैलगरी में रहते हैं तो हर दिन हमें सन देखने के लिए मिलता है. जब हम टोरंटो में थे यूजली मेरे बर्थडे वाले दिन ठंडी ठंडी हो जाती थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ी रेन ज़्यादा होती है यहाँ के मुकाबले. पर इस बार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल गर्म दिन है मेरे बर्थडे वाले दिन. सो यस, आज मेरा बर्थडे है. एंड ये वाला बर्थडे मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस बर्थडे में मैं होने वाली हूँ 35. इट्स अ बिग नंबर, राइट? आई थिंक समवन हैप्पी बर्थडे. ओह, थैंक यू सो मच मनु. आई लव ग्रीटिंग कार्ड्स. Thanks, Mom, for being you. Let me read it for you guys in a little bit. Oh, did you read it before buying? Tu padha hai lang to pehla. Oh, so nice. Dear MM, Mama Manor, I love you and wish you a good day. Happy birthday, him. Oh, Happy birthday, Balloon. Daddy. Happy birthday. Daddy, thoda talaga dadule ka sehra suhana lagta hai. Baba, aap kidhar aaya? Oh, fridge te the gas te ki ikatta jaane main roti banwa ke. Aage but me ji diya. ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਮੀ ਆ ਗਈ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ. ਵਾਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਆਈ ਲਵਡ ਇਟ. ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਇਅਰ ਮੰਨੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮਾਈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਨੀ ਬੋਏ. सो आज मेरा बर्थडे है. बर्थडे के रेगुलर रिचुअल्स ही होंगे जिसमें मैं, हिम्मत एंड मेरे हस्बैंड एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते हैं. एंड मेरा फेवरेट तोहफा होता है कि ये मुझे पति एंड मेरा सन ग्रीटिंग कार्ड दे जिसको मैं अपनी मेमोरी बॉक्स में रख पाऊँ. एंड सम टाइम मैं मेरे लिए कोई तोहफा भी ख़रीद लेती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं मेरे लिए प्लांट्स खरीदूँगी क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं. पर कल हम कॉस्को गए थे तो मेरे लिए मैं 3 प्लांट लेके आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत. अभी इनको मेरी फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. Hi guys, today is my mom's birthday and I'm gonna make pancakes for her. So first we need a bowl, 1 egg and the milk.
And now we put pancake mix. I already cooked it. Now we put milk. Now let's mix. Already smells good. Guys, this pancake is so good. This lemonade my mom made, and it's so good. This is the best lemonade in the world. Thank you, Auntie. Oh, you're welcome, guys. Have fun. सो कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ. मैं तैयार हो रही हूँ मेरे बर्थडे के लिए, एंड लिपस्टिक लगानी बाकी है एंड आईलैशेस. यू नो, कुछ मेमोरीज आपकी ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी आपकी कोर मेमोरीज बन जाती हैं. आपको नहीं पता कि कौन सी मेमोरीज आपको सारी ज़िंदगी याद रहेंगी. अभी मेरे बर्थडे को लेके मुझे 3 मेमोरीज हमेशा याद आती हैं. उनमें से एक है कि मैं 4 या 5 साल की होंगी. बहुत ज़्यादा क्लियरली याद नहीं है कि हम लोग हमारी किचन में बैठे थे, मैं, मेरी मॉम एंड मेरे डैड. एंड डैड शायद केक, पेस्ट्रीज एंड समोसे लेके आए थे. एंड वो मम के कान में खुसर फुसर कर रहे थे कि आज इसका बर्थडे है. मुझे लगा कि मेरा बर्थडे. एंड फिर मैं छोटी सी थी और मैंने नोटिस किया कि कोई भी बर्थडे सॉन्ग नहीं गा रहा था मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ही गा लेती हूँ. सो छोटे छोटे हाथों से क्लैप करते हुए मैंने कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. मुझे ना बार बार याद आता रहता है. एंड उसके बाद शायद हम डिनर करने के लिए बाहर गए थे, शायद दाल खाई थी, दाल मखनी. ये प्यारी सी मेमोरी मेरे दिमाग में आती रहती है. मुझे लगता है कि ये एक सिंगल बर्थडे की मेमोरी है जो मेरी मेरे डैड के साथ है. अनफॉर्चुनेटली मेरे डैड आई थिंक गुजर गए थे जब मैं सिर्फ 6 साल की थी. सो या, ये मेमोरी मेरे बर्थडे की उनके साथ है मेरे दिमाग में काफ़ी अच्छी तरह, बहुत क्लियरली नहीं. सो अगला बर्थडे था कि मेरी मम हमारी नेबर आंटी के साथ बात कर रही थी कि आज इसका बर्थडे है. वो बताना नहीं चाहती थी, शायद वो पार्टी नहीं करना चाहती हो या वो ऐसे ही. पर मैं बहुत छोटी थी, मुझे लग रहा 7 और 8 होंगी.
मैंने तब डिसाइड कर लिया कि ओ आज मेरा बर्थडे है, और मैं डायरी में मैंने लिख लिया कि ओ 26 अगस्त को होता है मेरा बर्थडे। एंड मैंने सोचा कि अगली बार मैं बिल्कुल भूलूंगी नहीं, याद रखूंगी, ईयर्स एंड ईयर्स तक याद रखूंगी। एंड उसके बाद मैं मेरा कोई भी बर्थडे नहीं भूली। एक और मेमोरी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह है कि 90s में स्कूल में चॉकलेट्स देते थे हम लोग, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टशन वाला दिन होता था वो, जब आपको चॉकलेट्स बांटनी थी। आप बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रिटी जैसे फील करते थे कि ओ माय गॉड, सारे लोग आपके पीछे जाएंगे, सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। एंड आप अलग अलग क्लास में जाके टीचर्स को कैंडीज देते थे या चॉकलेट्स, एंड फिर सारी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एंड सारे बच्चे उस बर्थडे वाले बच्चे के साथ चिपके रहते थे, मे बी शायद थोड़ी कैंडीज के लालच में या वैसे ही, आई डोंट नो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते थे हम लोग, राइट, 90s वाले लोग। सो मैंने मेरी मम्मी को कहा कि इस बार मुझे अपनी क्लास में कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मुझे अच्छे से 2 पैकेट ला दो। मेरी मम्मी मेरे लिए लेके आई पैकेट्स की, ओके छोटी सी फरमाइश मांगी है, इसने पूरी कर देते हैं। एंड तब क्या हुआ कि बहुत एक्साइटेड थी मैं अगले दिन स्कूल जाने के लिए, एंड सभी को कैंडीज देने के लिए, एंड ब्यूटीफुल ड्रेस पहनने के लिए, क्योंकि जिस दिन आपका बर्थडे होता था आपको यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे ब्यूटीफुल प्रिंसेस जैसे कपड़े पहन सकते थे। मैंने रात को वो डिसाइड करके रख लिया था कि मैं कल क्या पहनूंगी। सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी एक्साइटमेंट में कि कल सुबह मैं कैंडीज बांटूंगी पूरी क्लास में एंड पूरे स्कूल में, एंड तितली की तरह घूमूंगी। बहुत मज़ा आता था मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का। सो आई डोंट नो कब मुझे नींद आ गई होगी, अराउंड मिडनाइट, बट सुबह मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे फीवर के साथ उठी। आई थिंक 103 और 104 था, इतना ज़्यादा था कि मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी। और तब मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ था कि आई थिंक 10 दिन तक मैं स्कूल नहीं जा पाई थी, और वो बेचारी कैंडीज तो वह अच्छी रहेगी एंड उसके साथ ही कैंडीज मेल्ट भी होगी बहुत बुरी तरह। बहुत दुखी हुई इसी में। सो आई एम गोना वेयर ब्यूटीफुल मलावी नेकलेस फॉर माई स्पेशल डे, यू गाइस कैन गेट योर ओन। ये एक्चुअली परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट हो सकता है, और एनी गिफ्ट, और इवन फॉर यू, यू डिजर्व इट। बहुत एक्साइटेड हुआ करती थी मैं मेरे बर्थडे के लिए, पर वो एक्साइटमेंट अब काइंड ऑफ ख़त्म हो गई है, एंड बहुत ही ज़्यादा सटल सा फील होता है बर्थडे वाले दिन। बट येस, देयर इज़ सम स्पेशल फीलिंग अबाउट बर्थडेज, कुछ ना कुछ खास है, आपको लगता है कि आज आपका दिन है। या मुझे लगता है कि मैं पहले से डिफरेंट हूँ, पेशेंस मुझ में पहले भी बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हूँ मैं, अभी मुझे लगता है मुझ में ये डिफरेंस है कि मैं काफ़ी ज़्यादा फॉरगिविंग हूँ एंड काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश में हूँ, कभी हूँ कभी नहीं हूँ, बट या कोशिश में हूँ। मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले चीज़ों की चिंता मैं थोड़ी कम लेती हूँ कि मुझे कैसे दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आई फील मोर कम्फर्टेबल इन माई सेल्फ, बट अभी जहाँ पर मैं पहुँचना चाहती हूँ उस सिचुएशन में मैं नहीं हूँ, पर कोशिश है कि जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड अभी मैं 35 हो चुकी हूँ, एंड मुझे लगता है कि पहले से मैं थोड़ा सा बेटर हूँ, कि जैसा भी हूँ मैं आई थिंक आई एम हैप्पी। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको अपने में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो नहीं अच्छा लगता, आपको चेंज करना होता है, बट अभी मुझ में थोड़ा सा उस फीलिंग को लेके लाइक आई लेट इट गो, कि जैसा भी है आई एम ओके, डोंट वरी, तुम्हें किसी और के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इस चीज़ से खुश हो देन इट्स ओके। 35 टर्न होके अच्छा फील हो रहा है, एंड मुझे लगता है कि मैं जैसी भी हूँ मैं अपने आप को एम्ब्रेस कर रही हूँ ऐसे ही, और लोगों को प्लीज करने की ज़्यादा चिंता नहीं करती हूँ, एंड फोकस कर रही हूँ मेरी अपनी खुशी पे। ग्रैटिट्यूड को हमेशा मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा दुखी एंड परेशान रहेंगे। ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें मैं हमेशा यकीन करती हूँ एंड उसको फॉलो भी करती हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसके लिए मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों की कामना नहीं करती हूँ कि ये भी दे दो ये भी दे दो। बहुत हार्डवर्क में मैं विश्वास करती हूँ, ओवरथिंक मैं अभी भी बहुत करती हूँ, बट सद्गुरु की वजह से एंड ग्रैटिट्यूड को थोड़ा और बढ़ा के ज़िंदगी थोड़ी ब्यूटीफुल ज़्यादा हो गई है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा चीज़ों की चिंता नहीं करनी है, जैसे भी है वेरी नाइस। वो मैं हमेशा ही ऐसे हूँ, आपको पता होगा कि सिचुएशन जैसी भी है मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बेशक मेरी हेल्थ जिद्दा की भी हो, और
और बाकी चीज़ें भी जो आपके आसपास होती हैं, आई डोंट केयर मच, एंड अपने आप को प्यार ज़्यादा करने की कोशिश में हूँ. थोड़ा उसमें सक्सेस हो रहा है और ज़्यादा सक्सेस चाहिए, बट या ये है कि जो 10 साल पहले मैं सोचती थी उससे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बेटर हुआ है. आई होप आने वाले सालों में और बेटर होगा. मुझे लगता है कि ये आने वाला ईयर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है मेरे लिए. आई कैन फील इट इन माई सोल. सो टुडे एज आई टर्न 35, आई एम 35 नाउ, इट्स अ बिग नंबर, बट आई एम रेडी फॉर इट. लेट्स डू इट. Cheese pizza for like $14. Mama, I want cheese pizza with pepperoni. That will add... It's marinara sauce. सो हमने डिसाइड किया है इटालियन डिनर करने के लिए, और ये प्लेस का नाम है टोस्काना किचन, एंड एमले का नाम है मोहागनी. सो हम पहली बार आए हैं. मुझे लगता है कि जब से हम कैलगरी मूव किए हैं हमने बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स ट्राई नहीं किए हैं, जिनने भी किए हैं पर वहाँ पे हम दोबारा जाने के लिए एंड एक्साइटेड एंड तत्पर नहीं थे. सो हमने सोचा नया प्लेस ट्राई करते हैं, बिकॉज हम ओकविल का ऑलिव प्रेस बहुत मिस करते हैं. सो हमारा नया ऑलिव प्रेस ढूंढ रहे हैं. सो हस्बैंड ने ऑर्डर की है कैलामारी फिश, जो कि वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं लगी उन्हें, पर मेनू कैलामारी अच्छी नहीं लगती है फॉर सम रीज़न, सो मैं नहीं खाने वाली हूँ. मैंने मेरे लिए ऑर्डर किया है पास्ता एंड पिज़्ज़ा फॉर हिम्मत एंड हस्बैंड टू शेयर, क्योंकि इतनी ज़्यादा भुख नहीं है इनको, बिकॉज केक शॉप बंद होने वाली थी 5 o'clock. तो हमने हमारा डिनर थोड़ा जल्दी करने के बारे में प्लान बना लिया, एंड इतनी ज़्यादा भुख नहीं है इन लोगों को. एंड गाइस, वी आर गोइंग टू अ मूवी व्हिच इज़ फॉर फ्री. फ्री दसना जरूरी है गाइस, वी आर गोइंग फॉर अ मूवी व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ओके, सो हम डिनर खाएंगे यहाँ पे, एंड केक हमने ऑलरेडी पिक कर लिया है. केक हम कर जाके खाएंगे. बिकॉज आज बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सनी एंड गर्म दिन है, तो हमने डिसाइड किया बाहर बैठ जाते हैं. एंड बाहर बैठना ये भी अच्छा है कि आप वीडियो शूट कर सकते हैं, किसी को परेशान नहीं करेंगे. अंदर वधिया 3-4 टेबल हैं, सो बाहर कोई बैठा नहीं है फिलहाल, पर बहुत वधिया हॉट है. ऐसे लग रहा है कि जुलाई और जून है. पर मैंने देखा टोरंटो में आज बारिश हो रही है, क्योंकि यूजली मेरे बर्थडे वाले दिन टोरंटो में थोड़ा ठंडा हो जाता है, लाइक मी मूव वाला मौसम. कैलगरी कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि मोस्टली मेरे बर्थडे के डिनर के लिए हम बाहर जाते ही हैं. तीनों जाने फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं. पिछले काफ़ी ईयर से यही कर रहे हैं, हमारा यही वाला रिचुअल है. और हस्बैंड ने अपनी फेवरेट ऑन्ट्री एपिटाइज़र ऑर्डर कर दी था. मेरी और मीमी की कोई सलाह नहीं लगी, एंड वी डोंट नीड फिश, राइट मीमी? क्या खाफ है? सलमान सिस्टर. I think it tastes kind of like olive press. Daddy, this is why we shouldn't have it inside. There's like monkeys, and monkeys ruin our day. And I mean by monkeys. You all same together. Huh? Monkey. तो एक टपोरिया भर की हिंदी बोल रहे.
तो मुन्ना भाई उनको बोला तेरा खाना होता है ना भाई अच्छा होता है, अच्छा होता है, हाँ होता है, पर मेनू भी कई बार ब्रेक चाहिए होती है, मेरा बर्थडे स्पेशल डे, आई नीड स्पेशल मी, सो आई लाइक इट, मीमी गिव देम सॉलिड 7. स्पेशल डे पे बंदा अच्छा करता है या बाहर का धंधा बंद करता है? And yeah, that's it. Husband is good for nothing. Anyways, another story, another day. ऊपर वो कैमरे से उल्टा दिख रहा है ना मम्मी? Looks like I'm 35, but I'm not 35. You are 35, young 35. Hey! Happy birthday to you! Okay. Happy birthday. I'm ready, Happy to you. You. Yay! Happy birthday to you. I'm not ready. Eat yourself first. No! Mom, I'm gonna feed you. Take a bite, please. That's all again. Happy birthday. Happy birthday. So good. Happy birthday. Oh man. You're not fine, pal. Butter. Is it? Happy birthday. Happy birthday. That's it. Oh my god. Okay. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਨਾ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਕ ਆਮ ਨਾ ਟੇਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਲੂਬੇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਇਵਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੇਕ ਸੋ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ केक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड मैंने मेरी दोस्तों को भी दे दिया है एंड वो ब्यूटीफुल पंजाबी आंटी को भी एंड अब बारी आती है मूवी इन द पार्क. हमारे पास ही एक पार्क में मूवी शो होने वाला है आज पुस दिन अबूत, तो उसके लिए जाने वाले हैं. जल्दी से कम्फी कपड़े पहन लेते हैं क्विकली एंड बर्थडे का हार उतार देते हैं. You want Cheetos? Yeah. Okay. I didn't go in there to get the thingy or whatever it was because there was a stray rabbit. Yeah, that happened to me. My rocket went there. I was going to get it, but there was a rabies rabbit. So guys, we got a perfect spot for our movie. This was our chance and we didn't blow it. Good. Pranav. Maine upar le liya. Ye bachhan liya. Just wanted to tell you it's still my mom's birthday. ये एक किलो पिज्जा खा के तेरा ढिड नहीं भरिया, पॉपकॉर्न दे पॉपकॉर्न खांदी प्यारी है. ए राम प्यारी सोल्स, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी विद मी. Your love and support means the world. Here's to 35 and all the magic it holds. Until next time, remember to love yourself and shine bright. I love you guys so very much. Take care and lots of love. So this is how we are done with beautiful day today. I'm very happy and thank you so very much dosto jinhone bhi मुझे बर्थडे की विशेस भेजी. मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही नए वीडियो में. एक्साइटेड हूँ मैं इस नए साल के लिए.
I love you guys so very much. Bye.